नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे YouTube में स्वागत है। आज आपको हिंदी फिल्म एक्ट्रेस रेखा के कुछ खास बात बताती है जो बहुत लोग नहीं जानते। रेखा, जिन्हें आजकल रेखा गणेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है जो भारतीय सिनेमा के उत्तरी भाग में काम करती है। वो एक समझदार और अभिनय कुशल अभिनेत्री है जो बहुत समय तक बॉलीवुड में रही है। रेखा के कारण बॉलीवुड में उनकी एक अलग शैली है जो उन्हें सबसे अलग अभिनेत्रियों में से एक बनाती है। जीवन परिचय। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम वेंकटेश्वरी था, जो कि एक तमिल फिल्म अभिनेत्री थी। रेखा के पिता गणेशन उनकी जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी माँ वेंकटेश्वरी के साथ ही रहा और उन्होंने उन्हें अकेला बड़ा किया। रेखा ने अपनी पढ़ाई नहीं की। वो छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में जाने लगी थी। उनकी माँ वेंकटेश्वरी एक फिल्म अभिनेत्री थी। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर 1966 में अंजना साफा नामक फिल्म से शुरू की थी। उन्होंने अपनी करियर के दौरान लगभग 180 फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों में से कुछ फिल्में उमराव जान, सिलसिला, खूबसूरत, खून भरी मान, मुकद्दर का सिकंदर, घर, दू अनजाने, लज्जा, गंगा की सौगंध, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग आदि हैं। रेखा को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और उनकी एक अलग ही शैली होती है। उन्होंने अपनी कार्यक्रम शैली और वेशभूषा के लिए भी जानी जाती हैं। वो फिल्मों के साथ साथ संगीत भी गाती हैं और अपनी आवाज से लोगों को मोहित करती हैं। रेखा को अपने अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, फिल्मफेयर बेस्ट अवार्ड्स भी मिले हैं। रेखा के और भी कुछ दिलचस्प बात है जो आगे फिर बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।